काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनकी भी मिसाल दी जाती है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन, टेलीविजन प्रेजेंटिंग या फिर रेडियो जॉकी की अगर बात की जाए। मैं बात कर रही हूँ अनु कपूर की। सो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ स्वागत करते हैं इशाद खान जी का। बहुत बहुत स्वागत है। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं। नॉन स्टॉप धमाल आपकी फिल्म आ रही है जो कि अगले महीने रिलीज़ होने जा रही है। सो नॉन स्टॉप धमाल, और मैंने देखा ये पोस्टर जहाँ पे सारे अमेजिंग जो फाइनेस्ट कॉमेडियंस हैं उनको आपने लिया है। सो टेल अस मोर अबाउट द फिल्म, आई एम रियली एक्साइटेड। आपको इरशाद खान साहब हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकेंगे। और हैं दो, देखिए राजपाल यादव जी, असरानी जी। तो आपने ये कास्ट इकट्ठी कैसे करी सर, ये बताइए। हाँ, ये सबसे पहले मैंने अनु सर को अप्रोच किया था जी, और अनु सर ने वन लाइन सुना और बोले यार प्रमाइसेस अच्छा है आपके सब्जेक्ट का, आई एम डूइंग दिस, मैं कर रहा हूँ जी। फिर बोला ओके ठीक है। फिर मैंने असरानी साहब को सुनाया, ओके, बहुत एक्साइटेड, बोले यार अच्छा है, ट्रैक अच्छा है मेरा, मैं करता हूँ। फिर ऐसा सब जुड़ गया और इत्तेफाक से सारे अच्छे एक्टर मिल गए और बहुत मजा आया काम करने में हमें। हाँ, कुछ दिक्कत कुछ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लमैटिक एक्टर नहीं थे, लेजेंडरी एक्टर्स हैं। असरानी साहब ग्रेट आदमी। सेट पे माहौल कैसा होता था? मतलब कॉमेडी फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, इतने लेजेंडरी फाइनेस्ट एक्टर्स हैं, तो मतलब सेट पे पार्टी होती थी रोज ना? ऐसा पार्ट हम में से कोई भी ना राजपाल भाई, ना असरानी साहब, ना मनोज जी, हम लोग वो पार्टी वाले लोग तो नहीं है, लेकिन असरानी साहब को सुनते रहना, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। इतने कमाल कमाल के किस्से सुनाते थे, एक वो तो दुनिया को हम लोग हंसाते थे, लेकिन असरानी साहब आपको हंसाते थे। ये लेकिन जहाँ तक किस्से सुनाने वाली बात है, तो आपसे अच्छा किस्सा मेरे ख्याल से कोई और शायद नहीं सुना सकता जितना हम जानते हैं। मैं एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल के लिए अग्री कर गया था, तो मैं मिड नवंबर से लेकर और मिड मई तक, 6 महीने तक मैंने उस न्यूज़पेपर के लिए एवरी वीक आर्टिकल लिखा है। और 1 जनवरी 1940 की पैदाइश है। ओके, सो असरानी साहब 83 इयर्स के हो चुके हैं सर, 83 इयर्स के। ओ माय गॉड, यस, ओ माय गॉड। ऊपर वाला प्रकृति उनको इतना ही नवाजे, उसमें सेहत बना के रखें, और अभी भी सेहत बहुत अच्छी है, अभी भी स्पिरिट बहुत अच्छी है, अभी भी बैलेंस जो है गड़बड़ नहीं हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इंस्पिरेशन है कितने सारे लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं जिंदगी खत्म हो गई। सो मैंने 1 जनवरी को जो आर्टिकल लिखा था वो डेडिकेटेड ही असरानी साहब को किया था, क्योंकि असरानी साहब की, असरानी साहब से जुड़े हुए जो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है शायद, वो मेरे जो भी कुछ थोड़ा बहुत जिंदगी में फाइनेंशियल जो भी कुछ थोड़ा मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, ताली मिली, उसमें असरानी साहब का हाथ है। ओके, यस, क्योंकि उनकी ही शूटिंग थी जो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है उस पूरे आर्टिकल में जी। मैं कर रहा था, उनकी शूटिंग चल रही थी, और उससे पहले ही एक सीरियल थी जो थोड़ा अच्छा मकाम मिल गया था, उसमें उसका नाम था अजनबी, रोमेश शर्मा जो हम जिन्होंने बनाई थी, ये हम फिल्म में बना रहे थे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत, तो वो उनके प्रोड्यूसर की एक सीरियल चल गई। अभी उसके बाद मुझे मेरी जिंदगी में अंताक्षरी का आना असल में असरानी साहब की उस फिल्म से, जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैं हाउ कैन आई फॉरगेट दिस ग्रेट, तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने छोड़ दिया मुझको उस दिन, तो कम बैक टू सबके सब, मनोज भाई और राजपाल जी सब, सबके सब बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं और नॉन प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, सीधी सिंपल सी बात है, हमें अच्छा लगा काम करते हुए। आप जो प्रॉब्लमैटिक लोग होते हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं? प्रॉब्लम थप्पड़ पड़ते मारा आपकी आवाज ही आई थिंक उसके बराबर है। नहीं, मैं नाराज हो जाता हूँ, मैं नाराज हो जाता हूँ और मैं उठ के चला आता हूँ वहाँ से। मैंने इन सबको एक बात कही हुई है,
मैंने भाई 9:30 से 10 बजे तक पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जी, उस वक्त पहले ही बोल देता हूँ 9:30 से 10 के बीच में मैं आपके सेट पे तैयार हूंगा विद मेकअप, ओके, ऑन योर सेट, ओके। 7:30 बजे आप रैप बोले या ना, बंदा चलाए, आपको काम करना तो करिए, वरना जो लोग आपका 2 दिन में काम करते हैं मेरे साथ, आप 2 घंटे में कर सकते हैं काम। सो ऐसी अभी तक तो नौबत आई नहीं है, मैं नाराज हो जाता हूँ, भड़क जाता हूँ मैं बेवकूफियों के ऊपर, बेवकूफियों के ऊपर और बेईमानियों के ऊपर। बेईमानी मत करो, ईमानदारी के साथ काम करो बस, और तो बाकी हम नॉन कॉम्प्लिकेटेड आदमी हम लोग तो, हमको इरशाद भाई के साथ। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी सादगी, इनकी सरलता की वजह से, इनकी अच्छाई की वजह से, इनके सज्जनपन की वजह से, इनको प्रोड्यूसर भी वैसे ही मिले, प्रोड्यूसर भी हमारा बहुत अच्छा है, शायद इसी वजह से जी मैंने ये फिल्म की है। सारे लोग बहुत अच्छे, कोई कॉम्प्लिकेटेड। अनु सर, आप 1983 में आपकी फिल्म आई थी मंडी, है ना? जी जी जी। तो आपने डेब्यू किया था और तब से नॉन स्टॉप आप अपने आप को इवॉल्व करते आ रहे हैं, और हर फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग है, सिंगिंग है, डायरेक्शन में भी आपने यू नो बहुत अच्छा काम किया, आपके काम को काफ़ी सराहा भी। आप रेडियो जॉकी बहुत अच्छे हैं, टेलीविजन प्रेजेंटर बहुत अच्छे हैं, तो अपने आप को इवॉल्व कैसे करते रहते हैं? आज की तारीख में भी 40 सालों के बाद भी इतना लंबा करियर रहा है, लेकिन आप आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, तो उस सक्सेस का क्या राज है? उस सक्सेस का एक ही राज है, आई हैव नेवर स्टॉप्ड लर्निंग। सीखना कभी बंद नहीं किया, अपने दिमाग के इंटेलेक्ट को कभी बंद नहीं किया। और मैं ना फिल्में देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना न्यूज चैनल देखता हूं, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मुझे किसी का पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पूरे खल्क की मुझे जानकारी है। देखिए, चावल का एक दाना देखा जाता है, न्यूज चैनल आपका देख के मैं यह अनुमान लगाऊं कि भारतवर्ष कितना भ्रष्ट है, यह तो कोई न्यूज नहीं हुई ना, ये मेरे हिसाब से कोई न्यूज नहीं है, ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई है। न्यूज तब बनती कि हम किसी एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को या किसी ऐसे नेता को सामने लाते और प्रूव करते कि ये भारत के चंद गिने चुने ईमानदार ब्यूरोक्रेट और नेता में से एक है। न्यूज ये होती, फलानी जगह पानी भर गया, फलानी जगह इतने मर गए, उन वहां पे इतनी तरह की बेईमानी हो गई, ये टमाटर के भाव ऐसे हो गए, ये कोई न्यूज थोड़े यार, ये तो होने ही है। महंगाई ऐसा हो कि मेरे दादाजी के टाइम पर कम थी महंगाई, ने कंपैरेटिवली आपको लगेगा अरे यार 2 8 आने का घी आता था, लेकिन आप मेरे अगर दादाजी से पूछते तो वो कहते ना महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई जैसी जो डायन है ना, वो कभी कम नहीं हुई है, हमेशा बढ़ती रही है। सो हम इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आज यहाँ पे आए हैं। आज हमारा फोकस नॉन स्टॉप धमाल के ऊपर, यही हमारा है, हमारी रोजी रोटी ये है, हमारा समर्पण इसके लिए है। हमने काम मेहनत और ईमानदारी के साथ किया, बेईमानी के साथ काम नहीं किया। जो भी हमने बनाया है, फैसला आपके हाथ में, आप कैसे इसे कबूल करते हैं। नॉन स्टॉप धमाल जो है, उससे नाम से ही पता पड़ जाता है, लाइटर मूड की एक कॉमेडी फिल्म है, बगैर किसी वल्गैरिटी के। हमारे मैं भाई पूछना चाहती थी कि आजकल एक्शन फिल्म्स का काफी जमाना है, एक्शन फिल्म्स बैक टू बैक आ रही हैं, आपको इस माहौल में क्या लगता है कि फैमिली एंटरटेनर लोग कितना पसंद करेंगे, और इस फिल्म में क्या ऐसी खासियत है कि ऑडियंस जब थिएटर्स में जाएंगी इसे जरूर पसंद करेंगी? देखिए, एक्शन तो हर कोई बना रहा है आजकल, हॉरर है, एक्शन है, और मार धाड़, ये सब थ्रिलर। तो मैं ऐसी फिल्में मैं खुद नहीं देखता, जो चीज़ मुझे खुद पसंद नहीं हो तो मैं शायद ही कभी बनाऊं। मैं तो कभी कॉमेडी पे बिलीव करता हूँ, मैंने लिखा भी और कॉमेडी फिल्म भी बनाऊंगा, ताकि किसी को, आजकल किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। ठीक है, आप अगर किसी को 2 ही चीज़ से मुस्कुराहट दे सकते, या तो उसको 1 लाख रुपये दे दीजिए, या तो एक अच्छी फिल्म दिखा दीजिए। तो इसलिए ये कॉमेडी फिल्म है, थिएटर में रिलीज होने वाली, पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, और सब बहुत अच्छे एक्टर हैं, सबने बहुत अच्छा, बहुत साथ दिया, सर ने तो बहुत ही साथ दिया,
और बहुत मेहनत किया। ये तो दिल्ली में ये मेरी वजह से आए हैं क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे शो था और सारे एंगेजमेंट, तो मैंने कहा मैं डबिंग के लिए, भाई आप तो इस बहाने आप लोगों के दर्शन हो गए। ये मेरा जहाँ तक इस सवाल का जवाब, मैं भी अपने विचार जरूर व्यक्त करना चाहूँगा कि C5 जो है ना, वो अक्सर मैं बोलता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ, C5 हमारे हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे प्रिय राष्ट्र के लिए, ये सी ABCD वाला सी याद रखना है, ABCD है ना जी। सी फॉर सिनेमा, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कास्ट एंड सी फॉर कॉम्प्लेसेंसी। ये 5 C बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइकॉनिक बन गए हमारे देश के। तो सिनेमा से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप देख लीजिए, वो चलती रहेगी, चलेगी। सिनेमा से ही जुड़ के आया है, मतलब DD के जमाने में चित्रहार चलाना पड़ा था, उनको ध्यान रखिएगा, चित्रहार चलता था सर, चित्रहार मतलब फिल्मी गाने। सो हमारे भारतीय मनस जो है फिल्मों के प्रति उसकी आसक्ति अद्भुत है, और फिल्मों के प्रति उसकी आसक्ति है, फिल्म वालों के प्रति अंधभक्ति तक पूजा करते हैं, आप साउथ में मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। और हमने हमारे जो रील के जो हीरो हैं उनको रियल लाइफ के हीरो भी मान लिया, जो मेरे हिसाब से गलत है, नहीं होना चाहिए। रील का हीरो अलग है, अरे अक्षय कुमार क्या करता है रील के अंदर भाई, तेरे को उसकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब, पर्सनल लाइफ में वो जाने उसकी बीवी जाने, हमको क्या मतलब है भाई। तो कम बैक टू द पॉइंट, एक्शन फिल्में भी बनती हैं, रोमांटिक फिल्में भी बनती हैं, कॉमेडी भी फिल्में बनती हैं, कोई भी चीज सिनेमा से रिलेटेड हमारे देश में उसकी खपत बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब किसी इंसान का एक दिन नहीं जाता जब वो सिनेमा के बारे में बात ना कर रहा हूं। आपने एक्शन फिल्म के दौरान, अगर एक्शन फिल्म के दौरान भी 10 में से 4 एक्शन फिल्म चलती है, 6 फ्लॉप हो जाती है, उन 4 एक्शन फिल्मों में से भी 2 सुपरहिट इसलिए रहती हैं, उनका कंटेंट ठीक होगा, वो फिल्म की मेकिंग ठीक होगी। उसी तरह से जमाना एक्शन फिल्म का हो, जमाना रोमांटिक फिल्म का हो, आप अपने सब्जेक्ट को जस्टिफाई कीजिए सही ढंग से, प्रॉपर तरीके से आप फिल्म है, आपको चांसेस आपके सक्सेस होने के ब्राइट हो जाते हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं। आप बनाइए, आप बिंदास फिल्म में बनाइए, आप एक्शन के टाइम के ऊपर, अरे आप न्यूड फिल्म में बनाइए ना, वो भी चल जाएगी, ठीक फिल्म बनाओ, फिल्म बनाओ। इसीलिए तो आप देख रहे हो, आप बहन मल्लिका शेरावत या बहन सनी लियोनी का मौजूदगी ही आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक चमत्कारी घटना है, आप समझ रहे ना, हर चीज चलेगी, आप सही फिल्म बनाओ, सही फिल्म बनाओ, आप कंटेंट सही लाओ, सही ढंग से अपनी कहानी को जस्टिफाई करो, आप चलोगे। अनु सर, आपसे एक और मेरा सवाल था कि आपने अभी भी जवाब मैं ही दे रहा हूं। आपके जितने भी किरदार रहे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, यादगार है, मतलब चाहे आपका तेजाब का रोल हो या फिर मिस्टर इंडिया में आपका जो किरदार था वो, इनफैक्ट ड्रीम गर्ल में आपका जो किरदार, और सबसे फेमस विकी डोनर का किरदार है ना, सो ऐसा क्या करते हैं आप, कौन सा जादू की छड़ी घुमाते हैं अपने किरदारों में कि यादगार हो जाता है? मुझे जब भी कोई, वो चाहे मेरे डायरेक्टर इरशाद खान साहब हों, या मेरे डायरेक्टर अभी इशरत खान साहब हों, या मेरे डायरेक्टर राज शांडिले हों, या शुजीत सरकार हों, या सुभाष कपूर, कोई भी डायरेक्टर हो, मैं अपने डायरेक्टर और उसके काम को और उसकी स्क्रिप्ट को सीरियसली लेता हूं, और अगर मैंने हाँ कहा है तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। आप अगर मेरा बेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आप मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है। तो प्रियदर्शन के साथ जब काम किया, 3 फिल्में की आप देख लीजिए, मुस्कुराहट की है, दूसरी फिल्म गर्दिश की है, और तीसरी फिल्म की सजाए काला पानी। मुस्कुराहट में क्या रोल था, गर्दिश में क्या रोल था, और सदाए काला पानी में वीर सावरकर का रोल किया। केतन मेहता के साथ सरदार पहली फिल्म तो मैंने बेवड़े का रोल किया था, एक क्रॉनिकल। अपने कैरेक्टर को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, भाषा के माध्यम से, अपने किरदार के माध्यम से, उसके हाव भाव, उसके जेस्चर के माध्यम से। मैं वो नहीं हूं कि जिसकी आपने एक फिल्म देख ली इसका मतलब 10 फिल्में देख ली। मुझे आप एक फिल्म में, इसमें आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप धमाल में, बिल्कुल अलग पाएंगे। इसके बाद रिलीज है शायद, आप 4 अगस्त को आ रहे हैं या जब भी जो अगस्त में ही आ रहे हैं, उसके शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद ड्रीम गर्ल 2 रिलीज है, उसमें आप ब्रज का पूरा भाषा देखेंगे आप।
ड्रीम गर्ल टू है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लव की अरेंज मैरिज आ रही है, उसमें बिल्कुल अलग है, उसमें बुंदेलखंड है। उसके बाद आ रही है मेरी मत छू के पहलवान, बिल्कुल अलग हूं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म है जो बहुत हो सकता है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसका नाम है हम दो और हमारे बारह। हमारे शायद कोई राइटर साहब उसको कॉमेडी बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई ये आप स्क्रिप्ट संभालिए, सब्जेक्ट हो ना आप, आपके होता मना नहीं किया, आपकी फिल्म का मसाला जो था वो था, नाइविटी है इस फिल्म के अंदर, ठीक है, ये यहां ठीक है। लेकिन जिस फिल्म की बात कर रहा हूं हम दो हमारे बारह, वो कॉमेडी सब्जेक्ट नहीं था, वो तो बहुत सीरियस और कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म है। तो अलग अलग काम करने का मतलब ही एक्टर होता है, ये नहीं कि एक आपने एक फिल्म देख ली तो 10 फिल्म में एक तरह से डायलॉग बोलते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मोस्ट ऑफ द एक्टर्स फ्रॉम योर इंडस्ट्री, उनका एक फिल्म देख ली 50 फिल्म में सेम तरह से डायलॉग बोलते हैं। तो व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू कॉल देम एक्टर्स, यू मे बी अ स्टार, यू मे बी अ सुपर स्टार, यू मे बी मेगा स्टार, बट यू आर नॉट एन एक्टर। एक्टर का मतलब है जिस रोल को किया जाए, या तो वो एक्टर नहीं है, या बनाने वाले उनको एक्टर नहीं बनने देते, या देखने वाले, देखने वालों ने उन अच्छे कलाकारों को एक्टर बनने का मौका नहीं दिया। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम, ये समझने वाली बात है। जो समझ रहे हैं अगर 1% या 0.001% इंटरव्यू को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। एक्टिंग एक्टिंग होती बस, बिल्कुल सही कहा। इशाद जी आपसे जानना चाहती हूँ, जब इतने लेजेंडरी फाइनेस्ट एक्टर्स अनु कपूर ले लीजिए और यहाँ पे जिन भी हमने अमेजिंग एक्टर्स की बात करी, जब ये एक साथ इकट्ठे होते हैं और शूट आप कर रहे होते हैं तो आपके सीन को आई थिंक एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन भी होती होगी। सो कहीं आपने कुछ ऐसा फील किया कि जैसा आपने लिखा था है, जैसा आपने सोचा था उससे एकदम बहुत और बढ़कर सीन निकल कर आया? हाँ ऐसा तो हुआ है, लेकिन मेरा एक्शन बोलता था सर शुरू हो जाते थे, अनु जी असरानी जी राजपाल भाई मनोज जी सब एक कंबाइन सीन में चल रहा है और सीन खत्म जी। अब सीन खत्म, जो डायलॉग है वो खत्म हो गया सीन, ठीक है। अब डायरेक्टर को कट बोलना चाहिए, मुझे कट बोलना चाहिए और मेरे एसोसिएट राम भाई सर कट मतलब चुप करने दो, चले जा रहे हैं, इम्प्रोवाइज शुरू हो गया, ये मतलब चलने दो, पता नहीं क्या मिल जाए खजाने से, चलने दो। जब काफ़ी टाइम हो गया, दो पाँच मिनट के पूरा सीन अपने आप इम्प्रोवाइज कर लिया लोग, अनु सर बोलता है अरे भाई कट तो बोलो यार, बोला ठीक है सर कट। तो ऐसा मैं अक्सर करता था और बहुत फास्ट पेस में बढ़ा है, बहुत फेस। तो इरशाद खान जैसे जब डायरेक्टर होते हैं तो वो प्रोड्यूसर के लिए भी, जो प्रोड्यूसर और जो पैसा लगा रहा है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद वाले डायरेक्टर है। जल्दी फिल्म नीट एंड क्लीन बना बनू के अपना काम खत्म, बोले कि 3 साल बाद एक पूरा नहीं ऐसा नहीं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अच्छा। आई थिंक सभी को फायदा होता है जब इस तरह के फाइनेस्ट एक्टर्स होते हैं, तो आई थिंक सभी का फायदा होता है और जो ऑडियंस का भी पैसा लेके आ रहा है जी। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके वो है 10-12-15 हज़ार करोड़ के, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए अवेलेबल है उतने पैसे, एक लिमिटेड है और लिमिटेड जो स्कोप के अंदर इन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की। इसलिए ऐसे लोगों की हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जरूरत है जो प्रॉफिटेबल वेंचर कर सके, ताकि दूसरे जो इन्वेस्टर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री आए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन जब तक उसको बहुत पहले फिल्म इंडस्ट्री हो जानी चाहिए थी, ताकि वो इंडस्ट्री का एक रूप ले सके, एक जो फिल्म उद्योग का रूप ले सके, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं जो उनके ऊपर मतलब काम किए जा रहे हैं, 18 घंटे काम किए जा रहे हैं, 19 घंटे काम किए जा रहे हैं, तो भारत सरकार की जो भी लेबर लॉ है उनको सही ढंग से इंप्लीमेंट कर सके, हम हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनका सही प्रतिदान मिल सके, उनको सही मजदूरी मिल सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स आए और हमारे फिल्म में निवेश करें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। ट्रू ट्रू, थैंक यू सो मच अनु सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे प्लेटफॉर्म पे बताई, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, बाकी कम्प्लीटली योर चॉइस, आप एक छोटा सा कुछ गाना गुनगुना देंगे हमारे लिए? आज क्या है कि बरसों के बाद एक बहन से बात हुई, मैं तो उसे मुन्नी के नाम से ही जानता हूँ, और हम जब थिएटर में काम करते थे तो अगर मैं हरिश्चंद्र बनता था तो वो तारामती बनती थी, मैं मजनू बनता था तो वो लैला बनती थी, मैं फरहाद का रोल करता था तो वो शीरी का रोल करती थी। है बहन, बरसों बाद उससे बात हुई,
तो हम सब ज़ईफ हो गए हैं, हम बच्चे थे तब से काम कर रहे हैं साथ, तो आज हमारी बहन मुन्नी ने एक गाना याद दिला दिया, कहले मेरे भाई बस लास्ट बार वो गाना आपके ही मुंह से सुना था, तो उसी को नजर कर रहा हूँ, मेरी बहन को उसने याद दिलाया, इसलिए अब मुझे थोड़े मालूम था कि गाने का ये गाना भी टेलीविजन पे सिर्फ मैंने गाया है, तो आज मुन्नी बहन ने याद दिला दी तो मैंने कहा चलो वो ही आपने। और आप अपने दर्शकों से पूछना अनु कपूर ने किस फिल्म का गाना गाया है। गाना गाओ जिसका असर भी बड़ा हो और रेयर भी लगे और ऐसा लगे यार भारी है। मुलाजा फरमाए। जी जी इरशाद। मैं सोया अखियां मीचे, मैं सोया अखियां मीचे, तेरी जुल्फों के नीचे दुनिया को छोड़ दीवानी, अब रहा जमाना पीछे, मैं सोया अखियां मीचे, ये कौन हसी शर्माया, बादल को पसीना आया, ये कौन हसी शर्माया, बादल को पसीना आया, बादल को पसीना आया, मैं सोया अखियां नीचे, तेरी जुल्फों के नीचे दुनिया को छोड़ दीवानी, अब रहा जमाना पीछे, मैं सोया अखियां मीचे। वाह वाह वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आपने चार चांद लगा दिए आज के इंटरव्यू में गाके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी फिल्म के लिए, नॉन स्टॉप धमाल, आई एम श्योर ये धमाल करेगी थिएटर्स में जब ये रिलीज होगी, लुकिंग फॉरवर्ड, बेस्ट विशेस, थैंक यू अनु सर, आपने अंताक्षरी के दिनों की याद दिला दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।